हेलो नमस्ते एंड राम राम। आई होप आप सब बढ़े होंगे, बट मैं बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मैंने लिया डेयर चैलेंज। तो यार डेयर तो बढ़िया है, डेयर मिले हैं करेंगे, बट ये दोस्त होते हो ना, ये बड़े हराम में होता है। उन्होंने डेयर समझ के पता नहीं क्या दिया है, बट कोई नहीं करता है। और इन्हीं कैटेगरी का फर्स्ट आता है कोसु स्वामी। तो भाई ने बोला है कॉलेज चल, तो मैंने फिर ठीक है मैं कॉलेज जाता नहीं क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने पेपर दिया, कॉलेज जाता नहीं हूँ। फिर भी इसने बोला था, मैं सोचा चलो आज ये काम करें जो करना नहीं था। फिर मैं सुबह भाई को फोन करता हूँ कि भाई चल रहेंगे कॉलेज, तो भाई बोलते हैं कि भाई नहीं यार कॉलेज नहीं चलेंगे। खुद मन अगर भाई एकदम से जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए, पता नहीं, बट कोई नहीं, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो उसका ब्लॉग जरूर बनाएंगे, ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। और भाई ने मना किया है, हमने कुछ नहीं किया चैलेंज के लिए। और दूसरा आते हम साई भाई, साई भाई ने बोला है कि भाई एक हाथ से ताली बजा तो मान, तो कोई नहीं विराट आप क्या एक हाथ से ताली बजी क्योंकि एक हाथ मेरा था एक हाथ उसका। हाँ ऐसे बोल सकते हो कि दो हाथ हो चुके, बट कोई नहीं, आई होप एक हाथ से मैंने ताली बजा दिया। आप ये डेर मानोगे ना मानोगे पता नहीं, कमेंट करके बता देना। तो अब आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर मिला था मुझे ईटिंग फाइव लड्डू एट ए गणेश चतुर्थी, बट गणेश चतुर्थी कल थी और वो डेयर मैंने कल किया था। अब जब तक वो डेयर देखो और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है वो डेयर देखो। तो एक ऑर्डर आया अक्षय अग्रवाल की तरफ से कि पांच लड्डू खाने पड़ेंगे वो गणेश चतुर्थी के दिन। तो वैसे मैंने सुबह से पांच से ज़्यादा लड्डू खा लिए हैं, फिर भी देखते हैं अंदर कुछ लड्डू होंगे, 3-4 तो होने चाहिए, जितने लगेंगे वो चल के वो खाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने पांच खा चुके हैं, फिर भी आप ऐसे बोलोगे अगर वो इतने लड्डू हैं तो भैया, फिर भी कोई नहीं चलो देखते हैं कितने लड्डू। सामने सीधा किचन है, सीधा किचन में चलेंगे और देखते हैं कितने लड्डू हैं। एक तो इसमें और 2.5 इसमें, कोई नहीं तो हो चुके हैं 3.5, वो भी खाएंगे आपको दिखाऊंगा मैं। तो वो 3.5 नहीं थे, वो 3 थे भैया, मैंने ध्यान से देखे नहीं क्योंकि ये थोड़ा ऐसे टूटा हुआ है। कोई नहीं, फिर भी इतने लड्डू मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट देर मिले तो इतने तो खाने पड़ेंगे। बट इसके साथ यार मैं थोड़ा एडिशनल दूध पी रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, ऐसे तो खाए नहीं जाएंगे मेरे से। अब मैं खाता हूँ, ध्यान रखना मेरा। तो भैया मैंने 3 लड्डू खा लिए, 5 की बात हुई थी वैसे, बट मैंने सुबह से ना 5 से ज़्यादा खा लिया, कम से कम 8 लड्डू खा लिया और अभी 3 खाए हैं। हालत अजीब लग रहा है वैसे क्योंकि लड्डू खाते हैं ना आप, पता है 1 या 2 खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि थोड़ा अलग फील होता है ना। फिर भी मैंने ये किया है, आप पे डिपेंड है, आप डेयर मतलब फुली मतलब मानते हो या नहीं मानते, मैंने बता देना वैसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेयर पे। डेयर मिला मुझे मानवी से, मेरी सिस्टर लगती है, तो उसने मुझे डेयर दिया है। सो मोस्ट इम्प्रेसिव फोटो ऑन योर फोन एंड पोस्ट इन योर स्टेटस, मैं लगा दूंगा। और मेरे फोन में सबसे इम्प्रेसिव फोटो है ये, हाँ ये भी हम सबसे इम्प्रेसिव फोटो जो मुझे अच्छी लगती है। और अब आते हैं नेक्स्ट डेयर पे। नेक्स्ट डेयर दिया है रितु जंगेड़ ने। रितु जंगेड़ ने पूछा है कि तू जो भी सोचता है मेरे बारे में आज वह बता। ये वैसे डेयर था ट्रुथ था, कोई नहीं फिर भी हम बताते हैं ट्रुथ। वैसे यार तू इतनी पतली क्यों है, घर वाले कुछ खाने को नहीं देते क्या? ये मैं सोचता हूँ, अरे ऐसा नहीं सोचता बट इतना ही सोचता हूँ, तू इतनी पतली क्यों है, कुछ खाते पीते नहीं है क्या? और तू अच्छी मेरी अच्छी फ्रेंड है और मैं ऐसे सोच रहा हूँ तू जल्दी से शादी कर ले क्योंकि तेरी शादी में मुझे वो लोग तो बनाने हैं, बट यार थोड़ा जीवन है बर्फी वगैरह थोड़ी समझ नहीं ना, थोड़ी जल्दी कर दो। पाते हैं नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर दिया है मेरी अच्छी फ्रेंड मिस्टी सोनी ने दिया, अपने ब्राउजर की हिस्ट्री सबको दिखाओ। ये थोड़ा भाई गंभीर मामला है, कोई नहीं दिखाता हूँ मेरे ब्राउजर की हिस्ट्री। भाई मेरे फ्रेंड का फोन है, मेरा फोन लेता हूँ मैं।
या तो स्क्रीनिंग लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा। हाँ तो यही अभी है मेरी हिस्ट्री, ऐसे समझ रहे होंगे क्योंकि हिस्ट्री आजकल कोई स्मार्ट हो चुके हैं सब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर पे, तो किधर चलते हैं उधर करते हैं, क्योंकि आगे वाले डेयर है ना थोड़े खतरनाक हरामी दोस्तों ने दिए, तो समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ईयर करते हैं। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर है ही ऐसा, लक्की भाई ने दिया आपको 5 मिनट तक धूप में खड़ा होना, पाँच है ना जिंदगी में 12 अब जाएंगे सच में यार। कोई नहीं है सर्ट, इसलिए उधर जाता हूँ 5 मिनट धूप में बैठता हूँ। वैसे आपको भी टाइम दिखाता हूँ मैं, 11:14 हो रहा है, 11:15 मान लो उधर जाऊँगा बैठूँगा, और ये चलाता हूँ मैं इसमें स्टॉप वॉच 5 मिनट तक धूप में। ओढ़ तो सकता हूँ ना, उसने ऐसे बोला नहीं कि ओढ़ नहीं सकते, जा रहा हूँ धूप के अंदर स्टॉप वॉच चल रही है, इधर बैठूँगा। तो भाई 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं देख सकते हो यार, ऐसे चैलेंज ऐसे डेयर नहीं देने चाहिए, हालत ख़राब हो जाती है इसी में। चलते हैं दूसरे डेयर पर। तो अगला डेयर दिया ललित भाई ने, तो अपने ब्लॉग में लड़की को प्रपोज करेगा, उसे अपना सब्सक्राइबर बनेगा। अगर मैं इधर किसी लड़की को प्रपोज करूँगा ना तो घसीटेंगे एकदम, और है ना बढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, लेकिन नहीं लड़की का परपोज, इंडिया को संभालो, देश की सुरक्षा करो, लड़की लड़की देख रहे हो। अगला डेयर दिए ये रामी दोस्तों कैटेगरी में आते हैं, इसने दिया है भाई 5 मिनट सांस रोक, अमन भाई ने दिया ये भाई, अभी शादी भी नहीं हुई मेरी, इतने इतने बच्चे भी शादी नहीं हुई, तो बच्चे के दर्द होंगे, और ये भाई मेरा लास्ट ब्लॉग होगा। अगर मैं 5 मिनट सांस रोकूंगा ना तो अपलोड करने लायक भी नहीं बचूंगा यार मैं, सोच के तो बोलो 50 सेकंड बोलते तो मैं सोचता, और 5 सेकंड बोलते तो मैं रोकता सांस को, और कुछ मैं समझ आना भाई। ये पहले अमन भाई से रुकवाएंगे कभी, दूसरे डेयर पे आते हैं भाई, ये भगवान हाथ जोड़ता है, ऐसे डेयर मत दिया करो भाई, आगे से कभी डेयर का चैलेंज नहीं लूंगा मैं सच में। तो नेक्स्ट डेयर है चंदन ने दिया, ये हरामी कैटेगरी में आता है, हरामी नहीं ऊपर वाली हरामी कैटेगरी में, इसने डेयर की जगह भैया पार्टी मांगी है, डेयर के अंदर मोमोज और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी अपने दोस्तों के साथ भैया कोल्ड ड्रिंक सबको पिलाऊंगा, मोमोज मैं तेरे को ही खिला सकता हूँ अकेला, अब मोमोज खिला के लाता हूँ इसे, और फिर दूसरे डेयर पे चलते हैं। तो चंदन डेयर कंप्लीट, तो नेक्स्ट डेयर पर आता है, नेक्स्ट डेयर दिया दीपक भाई ने बोला है भाई पेड़ पर उल्टा लटक के दिखा, पेड़ पर उल्टा कोई नहीं, पेड़ यार अभी लटकेंगे पेड़ भाई, एक मिनट रुक, उस पोल पे लटक जाना पेड़ ही सही है, पेड़ चलो पेड़ पे। तो ये तो मैं लटक गया उल्टा ये उल्टा लटक गया, अरे अरे एक मिनट रुक, उसने ऐसे नहीं बोला, पैर उल्टे करने के लिए ऐसे उसमें नहीं लिखा भैया, डेयर कंप्लीट है, मैं उल्टा लटक चुका। तो नेक्स्ट डेयर पे आता है, ये दिया है देवयानी देवांशु ने दिया है, तुझे अपने किसी बीबी को किस और हक करना होगा, किसी भी इसने बताया था कि किसी भी भाई को किस और हक करना पड़ेगा, उधर चलते हैं, उधर तो सार आया है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, उसे किस करेंगे और हक करेंगे, चुपचाप चलते हैं उधर। और भाई तो सार भाई और भाई डेयर कंप्लीट। तो नेक्स्ट डेयर दिया भैया काका ने, और एक देव का एक और डेयर है, दोनों में ऐसे ही है कोल्ड ड्रिंक पिलाना, अरे ये हरामी सारे डेयर के नाम पे ना पार्टी मांग रहे हैं। अब चलते हैं चंदन का भी डेयर में बाकी था कि मोमोज के बाद में कोल्ड ड्रिंक थी, तो अब इन सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं।
कनेक्टर दिया हैवी कॉमेडी यानी गौरव भैया ने दिया कि तू डांस कर और उसका वीडियो इंस्टा पे अपलोड कर, तो डांस करेंगे और वो भी जिसने डेयर दिया उसी के साथ। तो लगभग मैंने सभी डेयर पूरे किए हैं और सबसे ज्यादा तो आपको कौन से डेयर में मजा आया बताना कमेंट करके, और जिसका डेयर मैंने नहीं किया वो कमेंट में भैया गालियां मत देना वैसे। और वो 5 मिनट सांस रोकने वाला भी किया है मैंने, सपने में किया था वैसे। और नेक्स्ट डेयर नेक्स्ट ब्लॉग इससे भी अच्छा होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मजे से इंजॉय करो, ठीक है, मिलते हैं।